हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं आपके लिए 5 वर्ड्स फॉर डेली वोकैबुलरी में से लेके आई हूँ। तो हम आज से जो है 5 वर्ड्स डेली वोकैब में से करेंगे और आप इन लेसन्स को जो है ध्यान से देखते रहिए। हर रोज आपको सुबह जो है मैं लेसन प्रोवाइड करूंगी, आप इनको ध्यान से देखिए और ड्यूरिंग द टाइम ही आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि हम हर एक वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपको उसके सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में बताएंगे। और जैसा कि आपका CDS FCAT का एग्जाम आने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और इसके रिगार्डिंग आपके कुछ भी डाउट हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस चाहिए या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो हम 5 वर्ड्स डेली वोकैब में से इसलिए लेके आए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वोकैबुलरी में ही हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वर्ड्स हमें याद नहीं होते। लेकिन ये 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, अगर इसी को आप ध्यान से देख लेंगे या फिर 1 या 2 बार दिन में देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपको वर्ड्स जो है वो याद हो जाएंगे। और ट्राई करिए कि आपने जैसे एक बार इसको देख लिया, उसके बाद माइंड में उन वर्ड्स के बारे में सोचने की, कि जब भी आपके माइंड में वो वर्ड्स आए तो आप ट्राई करें कि उनका क्या क्या मीनिंग था, उनको प्रोनाउंसिएशन उनकी सही से बोलने की ट्राई करें। तो इससे आपको वर्ड्स जो है वो याद होने शुरू हो जाएंगे, आपके माइंड में सेट होने शुरू हो जाएंगे। तो आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड देखते हैं, फर्स्ट है हमारी स्लाइड एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है फ्लुएंट और पर्सुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। इसका मीनिंग है कि किसी ने अपनी बात को बहुत ही ठोस ढंग से रखा, बहुत ही तर्क वितर्क करके उसको सही ढंग से प्रूव किया, तो उसको कहते हैं एलोक्वेंस। जब कोई भी बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करे, उसको पूरा बताए कि ये बात ऐसे है, उसको एविडेंस के साथ प्रूव करे, तो उसको कहते हैं एलोक्वेंस, जो कि एक नाउन है। तो देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं। इसके सिनोनिम्स हैं ओरेटरी, रियोटोरिक, ग्रैंडिलोक्यू, मैग्नीलोक्यूएंस, एक्सप्रेसिवनेस, आर्टिक्यूलेंसी, फ्लुएंसी, फैसिलिटी, पर्सुएसिवनेस, इन्यूसिएशन, लोक्यूशन। तो ये सारे उसके सिनोनिम्स हो गए जो आपको एक बार देखने हैं। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स क्या हैं? जिन बच्चों के लिए ये बहुत ही नया है तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वोकैबुलरी जो है आपको आती ही आती है। इसमें सिनोनिम्स का मीनिंग होता है कि जो कि हमने वर्ड लिया है एलोक्वेंस, जिसका मीनिंग सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो उसे बोलेंगे सिनोनिम्स। जैसे यहाँ ऑरेटरी लिखा है तो ऑरेटरी का भी सेम मीनिंग होगा जो एलोक्वेंस का होगा। इसके बाद है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या है? जिनका मीनिंग ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट मतलब कि इन आर्टिक्यूलेंसी है जो वो बिल्कुल ऑपोजिट है एलोक्वेंस के। हैजीनेस, साइलेंस, स्पीचलेसनेस, तो ये सारे क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए एलोक्वेंस के। तो ये आई होप कि आपको पता लग गया होगा। इसको आप प्रोनाउंस करके देखिए, इसके मीनिंग को वीडियो को स्टॉप करके एक बार रिवाइज करिए कि इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, कि ऐसी कोई चीज जो हम बहुत ही तर्क वितर्क करके बहुत ही ठोस ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोलते हैं एलोक्वेंस। इसके हमने सिनोनिम्स देखे और एंटोनिम्स देखे, जैसे कि इन क्यूलेंसी, हैजीनेस, साइलेंस, स्पीचलेसनेस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है एडिफाइस। तो एडिफाइस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या है? अ लार्ज इम्पोजिंग बिल्डिंग। तो इसका मीनिंग क्या है?
बहुत ही बड़ी और इम्पोजिंग बिल्डिंग जिसको हम हिंदी में भवन भी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े भवन जिनको बहुत ही अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ आर्किटेक्ट वे से जो है डिजाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडिफाइस, जो कि एक नाउन है। इसके अब सेम वर्ड्स देखते हैं, मतलब कि सिनोनिम्स देखते हैं एडिफाइस के, सिनोनिम्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट सिनोनिम है बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, पाइल, कॉम्प्लेक्स, असेंबली, प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट, प्रीमिसेस, एस्टेब्लिशमेंट। तो ये हो गए एडिफाइस के सिनोनिम्स। इसके अलावा इसके एंटोनिम्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। एंटोनिम्स हैं इसके डिसफिगरमेंट, डिसअरेंजमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। डिसफिगरमेंट मतलब जिसमें डिस जो वर्ड है किसी भी वर्ड को नेगेटिव बना देता है, आई एन इन, यू एन अन और डिस, ये किसी भी सेंटेंस को, अगर मैं फिगरमेंट की बात करूं तो समथिंग जो कि पूरे फिगर स्ट्रक्चर में हो, लेकिन अगर मैंने इसके आगे डिस लगा दिया तो इट मींस कि इट इज नॉट इन द नेगेटिव वे, तो अब ये फुली स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। तो एडिफाइस का मीनिंग क्या हो गया, ए लार्ज और इम्पोजिंग बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैम्पेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है जो हमें विशेषता शो करता है, एडजेक्टिव हमें विशेषता बताता है। तो रैम्पेंट क्या हो गया, फ्लोरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड, कोई ऐसी चीजें जो बहुत ही बिना चेक किए या बिना हमारे किसी सबूत के या बिना किसी एविडेंस के हम उसको स्प्रेड करते हैं, जैसे कि अफवाहें फैलाना बिना किसी जैसे हम पॉलिटिकल अगर किसी पर्सन को लें तो उनके बारे में बहुत सारी न्यूज आ जाती है, या हम फिल्मी जो सितारे हैं उनकी बात करें तो उनके बारे में भी बिना कुछ सोचे समझे कोई भी अनचेक किए उनको अफवाहें फैला देता है, तो दैट इज कॉल्ड द रैम्पेंट। तो जो पॉलिटिकल वॉयलेंस है, हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वॉयलेंस इज रैम्पेंट, क्योंकि उनको बिना किसी चेकिंग के स्प्रेड कर दिया जाता है, न्यूज बना दिया जाता है जस्ट टू गेन द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके, अनकंट्रोल्ड जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो, अनरेस्ट्रेन्ड जिसपे हमें कोई पता ना हो, अनचेक्ड, अनब्राइंडेड और वाइड स्प्रेड और पेंडेमिक, एपिडेमिक, परवेसिव। तो ये हो गए इसके सारे सेम वर्ड। नाउ एंटोनिम कि इसके ऑपोजिट क्या है, मॉडरेट, टेम्पर्ड, ब्राइडल्ड, चेक्ड, कंस्ट्रेन्ड, कंट्रोल्ड, कर्व्ड, गवर्न्ड, हैम्पर्ड, हिंडर्ड, रेस्ट्रेन्ड, टेम्परेट। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। तो हमने रैम्पेंट वर्ड किया जिसका मीनिंग क्या था कि किसी को चीज को भी अनचेक्ड और अनकंट्रोल्ड वे में उसको स्प्रेड कर देना, दैट इज कॉल्ड द रैम्पेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटलैंडिश, जो कि एक एडजेक्टिव है। आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है, मीनिंग लुकिंग और साउंडिंग बिजियर और अनफैमिलियर। बिजियर और अनफैमिलियर का मतलब होता है जो हमें विचित्र लगे, जो हमें खुद के साथ फैमिलियर ना लगे, जो हमें देखने में बहुत ही अजीब विचित्र लगे, जो कि दैट इज कॉल्ड द आउटलैंडिश। तो देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं। तो इसके सिनोनिम है एक्सोटिक, फैंटास्टिक, ग्लैमरस, मार्वलस, स्ट्रेंज। और इसके एंटोनिम्स हैं फैमिलियर, नॉन एक्सोटिक, नॉन ग्लैमरस, अनएक्सोटिक, अनग्लैमरस। तो ऐसी चीज जो हमें बहुत ही सरप्राइज कर दे, तो दैट इज कॉल्ड द आउटलैंडिश। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी चीज से सरप्राइज हो गए, आपको बहुत ही फैंटास्टिक लगेगी, तो आप उसके लिए आउटलैंडिश वर्ड का यूज करेंगे।
तो देखते हैं आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो लास्ट वर्ड इज इंट्रासेजेंट। तो इंट्रासेजेंट क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू और टू एग्री अबाउट समथिंग। तो हम कई बार जिद करते हैं, हम हठ ही ले लेते हैं कि हमें ये बात किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं माननी और हमें इसी पे एग्री करना है। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रासेजेंट। तो इंट्रासेजेंट क्या होता है, जब हम किसी का व्यू जो है उसको रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, बस हमें अपनी ही बात मनवानी होती है। तो दैट इज कॉल्ड द इंट्रासेजेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है और ये आप डेली जो आपकी रूटीन है उसमें भी यूज कर सकते हो। इंट्रासेजेंट पर्संस बहुत होते हैं जो जिनको सिर्फ अपने ही व्यूज और अपने ही जो उनकी विल होती है उसी पे एग्री करना होता है। तो देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या है। अनकम्प्रोमाइजिंग, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, रेसोल्यूट, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, बल हेडेड, आयरन विल्ड, अनरिलेटिंग, इनएक्सोरेबल, इनवर्टिरेट, रिजिड, एडमेंट, टेनेशियस। तो ये सारे हो गए इसके सेम वर्ड, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, ये तो सब आपने सुने होंगे। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो कि कॉम्प्रोमाइज करे ही ना। तो इंट्रासेजेंट क्या हो गया हमारे पास, कि ऐसे पर्सन्स जो अपनी ही बात मनवाए, किसी और की बात से एग्री ना करे। अब देखते हैं कि इसके एंटोनिम्स क्या है। इसके एंटोनिम्स है अनयील्डिंग से बन गया यील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल से बन गया फ्लेक्सिबल, सबमिसिव, ट्रैक्टेबल, एक्वाइसेंट, सबसर्वियंट और ऑब्सीक्वेस। तो ये सारे हो गए हमारे इंट्रासेजेंट के ऑपोजिट मीनिंग। तो आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि हमने कौन कौन से वर्ड किए, और एंड ऑफ द टाइम अब हम रिवाइज करेंगे जो जो वर्ड हमने कर लिए हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमने किया एलोक्वेंस, जिसका मीनिंग क्या था कि फ्लुएंट और पर्सुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, कि अपनी बात को बहुत ही ठोस ढंग से प्रस्तुत करना। तो दैट इज कॉल्ड एलोक्वेंस। नेक्स्ट वर्ड हमने किया एडिफाइस। एडिफाइस था अ लार्ज बिल्डिंग और इम्पोजिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसको एक प्लान्ड वे में बनाया गया हो। तो दैट इज कॉल्ड द एडिफाइस। नेक्स्ट वर्ड था रैम्पेंट। रैम्पेंट था फ्लोरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक, कि कोई भी अफवाह फैला देना उसको बिना चेक, बिना कंट्रोल्ड वे में, बस उसको